सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आशा फर्शवान, उत्तराखंड चमोली के शोल डूंगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शोल घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है जंगल से और हमारा केस उतर के लिए, और कई दिनों के बाद आए हैं हम आज, और आज थोड़ा देर से भी आए, 7 बज चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने सूतर छोड़ना है। और यहाँ पे मतलब भाभी लोग, रिया चाची, तीन लोग हम आए हैं। तो हम लोग सूतर छोड़ रहे हैं और रिया ने सूतर छोड़ना शुरू भी कर दिया ओ उधर वहाँ पे, और मैं भी छोड़ती हूँ। और यहाँ देखो आज ना बुग्याल में धूप निकल आई, हल्की हल्की दिख रही है। तो बाकी दिन हम इस टाइम पे हमारा सोल्टा लग जाता था सूतर का, तो आज नहीं लगा। तो हो चुका है हमारा सूतर और यहाँ पूरी ये देखो पूरा धूप निकल आया है। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, ये देखो यहीं से ना उधर जाने का रास्ता है, ये देखो कितना बड़ा है। तो ये बरसात के टाइम पे टूटा होगा, हम लोगों ने तो अभी देखा है। तो अब लोग जाते हैं, हम लोग अब जाते हैं घर। ये देखो भाभी और रिया ने भी लगा दी सोल्टी, अब भाभी उठा रही है, देखो कितना बड़ी सोल्टी लगा रखी है। तो आ चुके हैं हम लोग सूतर से, और सूतर से आने के बाद नाश्ता भी हो गया हमारा। और मैं तोड़ रही हूँ आज करेला, करेला जो मीठे करेले होते हैं उसका सुगसा, जो बड़ी होती है सुगसा बोलते हैं हमारे वहाँ पे, तो सुगसा बनाने के लिए। तो ये कुछ मेरी माँ ने कुछ दिन पहले तोड़े थे, ये हल्के हल्के सूख गए हैं, और कुछ ये हैं, इनको तोड़ के फिर सुखाने के लिए डाल देंगे। तो ये करेले का सुगसा जो है कि सर्दियों के टाइम पे सब्जी खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट भी दूर है। तो कुछ टाइम बाद जब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाड़े अखाड़े जो होते हैं वो भी सूख जाते हैं, तो तब के लिए ये सुगसे जो है काम आएंगे सब्जी बनाने के। देखिए छील लिए मैंने सारे करेले, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा थोड़ा सा था तो ये छील लिए मैंने। इस पर इतना बीज भी निकला है, तो मेरी माँ कर रही है यहाँ पे लहसुन की गुड़ाई। ये देखो कितना झाड़ जो खरपतवार होता है वो आया है। तो ये लहसुन हमने बहुत पहले लगा दिया था, बीच में घास काटना खेती का काम हुआ तो इसकी गुड़ाई नहीं हो पाई। ये देखे लहसुन के जो पौधे हैं वो भी बारीक बारीक हो रखे हैं ये, और सूख रखे सारे बाड़े, इसलिए एक तरफ से ये पानी छोड़ रखा है पाइप से और दूसरी तरफ से गुड़ाई हो रही है। ये देखिए तो लहसुन की गुड़ाई इस तरह से होती है, देखो। और यहाँ पे ये संतरे का पेड़ है, संतरे भी कुछ कुछ लग रखे, इस पर ज़्यादा नहीं आ रखे इस साल, और ये पीले होने पे आ गए, मतलब पकने लग गए संतरे भी। इधर भी संतरे का पेड़ है और इस साइड को एक पेड़, इस पर लगे हैं खूब सारे संतरे। देखो इस वाले पेड़ पे लगे इस साल बहुत ज़्यादा संतरे हैं। और यहाँ पे ये बीज वाली राई का पौधा है, ये पत्ते कितने चौड़े चौड़े हो रखे हैं, और ये बीज के लिए रखा हुआ है ये वाला पौधा। और इस पेड़ पौधे पे ये देखो मिर्चियाँ कितनी सारी पक रखी है, कुछ हरे हो रखे हैं और कुछ पक रखे हैं, और बीच बीच में लहसुन है। तो ये सारा गुड़ाई करना है आज, मेरी माँ करेगी, मुझे तो कपड़े सिलने हैं। तो ये लहसुन के पौधे के बीच में जो झाड़ खरपतवार होता है इसको निकालना है। और इस तरफ को ये हल्दी का बाड़ा है, यहाँ पे हल्दी लगा रखा है, ये अरबी है, अरबी के पत्ते। यहाँ से इधर को इतना माने ये सारा गोड़ दिया बाड़ा, और पानी भी लगा रखा है आधे से। अब दिख रहे हैं कुछ कुछ लहसुन के पौधे, नहीं तो पहले दिख नहीं रहे थे वो, ये जो घास उगी थी उसके बीच में उसकी वजह से।
मैं गाय भैंसों को अंदर बांधूंगी, क्योंकि काफ़ी धूप पड़ी हुई है, तेज़ धूप हो रखी है, तो उसके बाद मुझे सिलाई भी करनी है। तो मैं जा रही हूँ गोट। भैंस बांध के और कुछ लोग आए हैं कपड़े देने लेने। तुम लोग आए कि नहीं? आओ पे। तो वो लोग कपड़े देने आए थे और वो चले गए। अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ। आज शुरू कर रही हूँ मैं फ्रॉक से, छोटे बच्चे का फ्रॉक है, तो मैं अब सिलाई शुरू करती हूँ। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मेरा आज का जो सिलाई का काम है वो भी पूरा हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या सिला है। सबसे पहले तो ये दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये देखिए कितना प्यारा फ्रॉक है, बेबी फ्रॉक है ये। तो ये किरण बुआरी की बेटी का है, मतलब छोटी सी गुन्नू का है। तो सेम इसी कलर का सूट है किरण का। फिर एक कोई सलवार है और ये इसके साथ का सूट है, और ये केस सूट, और एक सलवार है। तो यही है मेरे पूरे दिन की मेहनत। तो बीच में थोड़ा घर का काम भी होता है, तो जो भी है ठीक है।